एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी गया, जाकर के कहने लगा कि हजरत आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला तुझे इंसान बना दे, अल्लाह ताला तुझे इंसान बना दे, ह्यूमन बीइंग। वो आदमी कहने लगा क्या हजरत ऐसी दुआ आप दे रहे हैं, क्या मैं इंसान नहीं नजर आ रहा हूं क्या आपको, मैं क्या गधा या कुत्ता नजर आ रहा हूं आपको, आप मेरे लिए मालो दौलत की दुआ करते, नेक होने की, नेक आमाल की तौफीक की दुआ करते, बीवी बच्चों के अंदर बरकत की, दुकान मकान में कब्रस्तान में बरकत की दुआ करते, ये क्या आप मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह इसको इंसान बना दो। वो आदमी ऐसा हजरत से अदब से पूछने लगा। हजरत ने फरमाया देखो राज की बात है, बताना नहीं है, जाहिर नहीं करना। उसने कहा ठीक है हजरत। हजरत ने अपनी टोपी को उतारा और उसके सर पर रख दिया। क्या किया हजरत ने, अपनी टोपी को उतारा और उस आदमी के सर पर रख दिया और कहा बिल्कुल खामोशी के साथ बाजार में जाओ 4-5 मिनट के लिए और आकर के मुझे मिलो। अब वो आदमी टोपी सर पर रखकर बाजार गया। जैसे ही हजरत के घर से बाहर गया तो देखता है दुकान पर कोई बंदर बैठा हुआ, कोई कुत्ता कपड़े सी रहा है, कोई भैंस इंसान की तरह चल करके जा रहा है, कोई गाय है, कोई लोमड़ी है, कोई चीता है, कोई चमगादड़ है, कोई किसी और शक्ल का है, लेकिन बड़े बड़े उनके जिस्म है। जिस जानवर का जैसा जिस्म होना चाहिए वैसा नहीं है, बल्कि इंसान की तरह उनके जिस्म है, शक्ल उनका चेहरा जानवरों जैसा है। वो आदमी हजरत ने 5 मिनट का टाइम दिया था, 2-3 मिनट में ही भाग करके आ गया। कहने लगा हजरत आपकी ये टोपी कैसी है, मैं बाजार के लिए निकला तो मैंने ऐसा मंजर देखा कि जैसा कि मैं जंगल में जा रहा हूं। हजरत ने फरमाया बताओ तुम बाजार में गए थे, तुमको तो वो जंगल नजर आ रहा था, लेकिन वो था तुम्हारा बाजार ही, वो वही बाजार है जिससे गुजर कर तुम मेरे पास आए थे, तुम इंसानों के बाजार ही में गए थे, तुमने क्या देखा। उसने कहा हजरत कोई बंदर है, कोई कुत्ता है, कोई लोमड़ी है, कोई चीता है, कोई भालू है। हजरत ने फरमाया अब बताओ मैंने जो तुम्हें दुआ दी है वो कीमती है या नहीं। उसने कहा हजरत ये सब इंसान है क्या। हजरत ने फरमाया हाँ हाँ ये सब इंसान है जिसको तुमने अभी बाजार में देखा है, लेकिन उनके आमाल कुत्तों जैसे हैं, किसी का अमल सुअर जैसा है, किसी का अमल लोमड़ी जैसा है, उनकी हकीकत ये है जो तुमने टोपी पहन करके देखा है। तब उस आदमी ने कहा कि हजरत वाकयतन आपने मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ दी है, अल्लाह ताला मुझे हकीकत में इंसान बनाए। आज भाई भाई को मार रहा है, बहन बहन को धोखा दे रही है, बेटे बाप को मार रहे हैं, माँ को सताया जा रहा है, बूढ़े लोगों को, कमजोरों को, उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पड़ोसियों को तंग किया जा रहा है, मस्जिद का माल चुरा करके ले जा रहे, टोपी पहनकर नमाजी की शक्ल बना करके लोग चोरी करने मस्जिद में आ रहे, जुमा की हुंडी से लोग पैसा चुरा रहे, इनको इंसान कहा जाए, अल्लाह के माल को, अल्लाह के घर के माल को चुरा रहे हैं, इनको इंसान कहा जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है तो इंसान बन करके हमें रहना है।